दोस्तों, फसल की अच्छी उपज और गुणवत्ता वाली फसल के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि फसल में किसी टाइप की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं हो, फसल हरी भरी हो, ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आए, फल फूल ज़्यादा मात्रा में लगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टॉनिक का यूज करें। तो इसी सीरीज में आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी धानुका एग्रीटेक का धनवर्षा 6 in 1। धनवर्षा में क्या टेक्निकल आता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, फसलों की कौन सी स्टेज में इस्तेमाल करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी कवर करूंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुँचते रहें। तो दोस्तों, धनवर्षा 6 in 1 ऑर्गेनिक बायो न्यूट्रिएंट होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। इसके टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो इसमें एक्टिव पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड आता है, उसके साथ ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। अब दोस्तों, कि इसको फसलों में क्यों यूज करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स फसलों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है, नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है, ज्यादा मात्रा में फल फूल लगने के लिए बायोस्टिमुलेटिंग प्रभाव ये देता है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती है और पौधे की हर स्टेज में फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे कि फास्फोरस की डिफिशियंसी नहीं आती है, रूट डेवलप अच्छे से होती है और पौधे में या फसलों में मजबूती आती है। और ज़्यादा अच्छे से रूट डेवलप होंगी तो अन्य प्रकार के न्यूट्रिशन डिफिशियंसी पौधे में नहीं देखने को मिलती है। धनवर्षा कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण जैसे कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड, इनकी कठोरता को कम करता है और क्षारीय पानी के पीएच को भी मेंटेन करता है। पौधों की पत्तियों के साथ साथ मिट्टी में भी सतह पर तनाव को घटाता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट, यानी कि फसल के अच्छी उपज और गुणवत्ता वाले फसल के लिए, न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए, तनाव से बचाने के लिए इसका स्प्रे जरूर फसलों में करना चाहिए। अब दोस्तों, बात की जाए कि कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें, दलहनी तिलहनी रबी खरीफ की फसलें, उसके साथ ही फूलों की खेती, बागवानी, सब में बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, पत्तेदार सब्जियों में जैसे कि मेथी, पालक, सोयाबीन, मूंगफली, आम, अंगूर, अनार, केला, नींबू, सेब, संतरा, मूंग, उड़द, अरहर, चना, इन सब में बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सब के साथ साथ फूलों की खेती में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी परफेक्ट डोज और फसलों की कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरुआत हो जाए, यानी कि आप अपनी फसल में कम से कम एक दो फूल देखने लग जाए, यानी कि फ्लोरिंग स्टेज की शुरुआत होने वाली है जस्ट, तो उस समय स्प्रे करना चाहिए। सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि उस समय फसल एक तो स्ट्रेस में नहीं रहेगी, तो ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी। उसके साथ ही अगर किसी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से फसल में कोई प्रॉब्लम है तो वो डिफिशियंसी भी फसल में देखने को नहीं मिलती है। वैसे आप फसल की किसी भी स्टेज में यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है कि फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले इस्तेमाल कर लें और 15 दिन बाद में सेकेंड स्प्रे इसका कर लें। फर्स्ट और सेकेंड स्प्रे के बीच में 15 दिन का गैप जरूर देना चाहिए क्योंकि इसका रिजल्ट टाइम होता है 15 दिन। 15 दिन तक फसलों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसकी परफेक्ट डोज की बात की जाए तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके और फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए। और प्राइस की बात की जाए तो मेरे पास ये 250 ml की बोतल है जिसपे MRP है 425 रुपये और लगभग ये 400 रुपये के समथिंग मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। प्राइस दोस्तों अप डाउन हो सकती है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।